अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन लांबा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी चाइनीज़ डिश है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ की हूँ 1/2 kg चिकन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे मैदा और 1/2 चम्मच हम ऐड करेंगे चावल का आटा। ऑप्शनल है पर इससे क्रिस्पीनेस और बढ़ जाती है। और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अंडा, जिसे मैंने 1/2 यूज़ की हूँ। थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से और 1 टीस्पून ऐड करेंगे सोया सॉस। और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिंक के वक्त अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे कवर करके 5 मिनट तक रख देंगे। हम एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह से गरम करके इसमें चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए लहसुन और फ्राई कर लेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी 2 मिनट तक के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 2 से 3 चम्मच शेजवान चटनी, 1 टीस्पून ऐड करेंगे टमाटो सॉस, साथ ही हम ऐड करेंगे अजीनामोतो जो कि ऑप्शनल है, थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आने पर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक कवर करके पका लेंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी भी परफेक्टली बन चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चिकन लांबा को डिश आउट कर लेंगे और स्प्रिंग ऑनियन के साथ डिश को गार्निश कर लेंगे। इसे बटर नान, चपाती या फिर तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है ढाबा स्टाइल चिकन लांबा की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूं। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।